ये सालाहाट का एटॉम्स एयर 230 करके हीट पंप है। अब इसको इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, इंस्टॉलेशन करने से ये पीएनटी वाल जिसको हम एयर वेंट बोलते हैं, ये ओवर फ्लो या एयर वेंट बोथ आर सेम। नेक्स्ट दूसरा है इधर, ये जो है ये ड्रेन के लिए क्लीनर, ड्रेन क्लीनर के लिए या ओवर फ्लो भी इसमें यूज हो सकता है। ये जो है ऊपर से ये हॉट वाइट का हॉट वाटर का आउटलेट है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। इसको यहाँ से ये पुणेची एमटी में रेड्यूसिंग करके यूनियन की मदद से हमने ये बॉल वाल भी लगा दिया और इसमें ये आउटलेट यानी जो नीचे जो बाथरूम की सप्लाई उसमें देने के लिए, और इस हीट मशीन के लिए अंदर का इनलेट हमने यहाँ से लिया है। ये नीचे जो ये ठंडे पानी का जो निशान है ब्लू कलर का जो लोगो बना रखा है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है कोल्ड वाटर इनलेट, ये कोल्ड वाटर ही ठंडा पानी में। दूसरा जो यहाँ पे ये लगा हुआ है वो मशीन के लिए, इसको छाड़ा छड़ी नहीं करना है। ये ड्रेनेज है पूरा क्लीनर करने के लिए। डिस्प्ले यहाँ से हम हटा दिया, ये डिस्प्ले है, ये हमारे कंपनी के बंदे हैं नयन भाई। ये हमारा हीट पंप स्टार्ट हो गया है, एक्चुअल प्रेशर सेट प्रेशर। अभी आपने टेम्परेचर 42.5 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस भी दिया, 60 तक जाएगा, मतलब अभी 42 पे हो गया, जल्दी हो गया, मैं चालू रहेगा। अच्छा थोड़ी देर में हमारा मंदी हो जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ये एयर के लिए, ये जो यहाँ पे कूलिंग हो रहा है वो एसी से ज़्यादा कूलिंग मिलेगा यहाँ पे। ये जो फैन चल रहा है ये फैन में बहुत ज़्यादा कूलिंग, मतलब एसी जैसा ठंडा हवा आएगी इधर। मैं ऐसे में ये कंप्रेसर हो, ये पीछे की तरफ जो है वो कंप्रेसर है।